तो हेयर का जो लेंथ है आप वीडियो में देख ही रहे हैं, मीडियम लेंथ है और नीचे से जो हेयर थोड़े से फ्रिजी हो गए हैं, थोड़े डैमेज टाइप से, उसको मैं कट करूँगी। मतलब लेंथ मेंटेन रखते हुए प्यारा सा कट करके देने वाली हूँ। सेम इनको आयुषी जैसा ही स्टाइल चाहिए, जो कि अभी जल्दी मैंने वीडियो शेयर की हुई थी, फ्रंट फेस फॉरवर्ड जो वॉल्फ स्टाइल में कट किया हुआ था वैसा वाला चाहिए था इनको। तो हेयर को जो है अच्छे से मैं यहाँ पे गीला कर ले रही हूँ कोम करने के लिए अच्छे से, और हाफ अप डिवाइड करके इसको हम ऐसा सामने की तरफ। उसके बाद में हमें निकालना होगा ए सेक्शन, ठीक है। तो सामने से ए सेक्शन निकालेंगे हम, इस तरीके से कोम करना है। सबसे मेन तो आपको कोमिंग पे खास ध्यान देना है, जो आप सेक्शन डिवाइड करते हैं वो एकदम इक्वल होने चाहिए। मैं एकदम जूम करके आपको दिखा रही हूँ कैमरा, इस तरीके से देखिए, और साथ के साथ ना दोनों तरफ का निकाल लेंगे। ऐसा नहीं कि एक तरफ निकाले और दूसरी तरफ का बाद में, नहीं, एक साथ निकालते हुए ही ये कट आपको करना है। इस टाइप से देखिए, दोनों टाइप तरफ का जो सेक्शन है उसको हम इवनली अच्छे से मिलान कर लेंगे पहले, और जो सामने और एक्स्ट्रा हेयर उसको हम पीछे कर देंगे, क्योंकि कटिंग के टाइम पे थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो जाती है इस वजह से, और मुझे कैमरे में आपको क्लियर दिखाना है इस वजह से देखिए। तो दोनों तरफ का सेक्शन मैं अच्छे से डिवाइड कर ली हूँ। अब दोनों हेयर को जो है हमें एक साथ में ही ऐसा मिक्स कर लेना है। कहीं भी अगर आपको लगे ना कि हेयर थोड़े से आगे पीछे हो गए, तो आप उसको साथ के साथ अच्छे से जो पार्टिंग है उसको इवन कर लें। अब देखिए दोनों तरफ के हेयर को मैं एक साथ ऐसा मिक्स कर ली हूँ, ठीक है। फेस को सीधा रखेंगे और सेंटर पार्ट से हेयर को लेंगे। आप पूरी वीडियो में इसको हंसते हुए ही देखने वाले हो, इसलिए हम लोगों ने इसका नाम ही रखा हुआ है इंटरटेनमेंट। बहुत ही प्यारी, बहुत ही क्यूट, मतलब कोई कितना भी ऐसा उदास रहे ये 2 सेकंड में उसको हंसा देने वाली है। और ट्विस्ट करते हुए देखिए इक्वल कट कर देंगे। ट्विस्ट करके कट करोगे ना तो इसका जो लुक है बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही सुंदर निकल के आएगा। साइड वाले हेयर को भी एक साथ मिक्स करते हुए बराबर बराबर ही कट लगाते हुए चलना है। प्रोसेस बहुत ही ईजी है, लेकिन जो लुक है ना वो बहुत बहुत ही ज़्यादा, आप देखेंगे ऐसा लगेगा एकदम मिक्स टाइप का कुछ कट हो रखा हो, बहुत ही बाउंसी और एकदम एक्स्ट्रा वैल्यूम ऐड हो जाता है इस कट में, बहुत अच्छा लुक निकल के आएगा। अब दोनों तरफ के हेयर को देखिए हाफ हाफ डिवाइड कर लेंगे। हमें दोनों तरफ के लिए अच्छे से गाइडलाइन मिल चुकी है। एक बार साइड में ले जाके इसको मैं चेक कर ले रही हूँ, क्योंकि हल्का सा वेवी हेयर क्वालिटी है, इस वजह से दोनों तरफ रीचेक कर लेंगे साइड में रखते हुए। तो ये प्रोसेस हमें नहीं करना पड़ता अगर हेयर सिल्की होता तो इनका जो हेयर का क्वालिटी है वो हल्का वेवी वाला है, ठीक है। अब फिर से हमें वैसे ही सेक्शन डिवाइड करना है। सेक्शन ना आप 4 to 5 ऐसा डिवाइड कर सकते हैं, जैसे घने हेयर हो तो आप उसी हिसाब से ज़्यादा कर सकते हो, पतले हेयर होंगे तो आप उसी हिसाब से कम रखोगे, है ना, क्योंकि थिकनेस के हिसाब से हमें जो है सेक्शन डिवाइड करना होता है, चाहे कोई भी कटिंग करनी हो। तो यहाँ पे साथ के साथ देखिए दोनों तरफ का हमें डिवाइड करना है, क्योंकि कटिंग भी हमें पूरी साथ के साथ ही करते हुए चलना है दोनों तरफ का। अब दोनों साइड के हेयर को एक साथ ऐसा मिक्स कर लेंगे। फेस को थोड़ा सा डाउन रखने बोलेंगे, हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं, और मैं सेक्शन दिखाने के लिए फेस को डाउन करी हूँ ताकि आप अच्छे से देख पाएँ कि मैंने कैसे पार्टिंग की है। तो पहला जो है कान के सामने से मैं डिवाइड की थी और दूसरा सेक्शन आ गया है कान के पीछे से। देखिए फिर से सेंटर पार्ट से हेयर को ले रही हूँ मैं, सामने की तरफ लाएंगे और जो हमारी गाइडलाइन है जस्ट उसी को मेजर करते हुए इक्वल कट कर देंगे, ठीक है। साइड वाले हेयर को भी गाइडलाइन के साथ में मिलाते हुए बराबर कट कर देना है। ये वाला जो टेक्निक है थोड़ा सा डिफरेंट वे में मैंने सेल्फ में भी शेयर किया हुआ है कि खुद से आप कैसे कर सकते हैं, लेकिन सेम ये ए लाइन वाला जो कटिंग है, अगर आप लोग कमेंट करोगे कि आपको सेल्फ में देखना है तो मैं ज़रूर वीडियो अपलोड करूंगी सेल्फ हेयर कट की, और वो भी जल्दी ही। तो ये कट ना आप खुद से भी कर पाओगे, कैसे करना रहेगा वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी, थोड़ा सा आपको बस वो वीडियो ध्यान से देखना रहेगा।
अब लास्ट वाले हेयर को भी देखिए सामने की तरफ ला रही हूँ, तो बहुत ही प्यारा सा कट भी हो जाएगा और जो नीचे का हेयर अनइवन हो गया था वो भी साथ के साथ ही ट्रिम हो जाएगा और काफ़ी अच्छा हेल्दी लुक निकल के आ जाएगा। गाइडलाइन के साथ मिक्स करना है। और हाँ गाइस, आप सभी को हैप्पी नवरात्रि। आज से नवरात्रि भी स्टार्ट हो गई है, तो आप सबको इसी वीडियो में मैं जो है विश कर दे रही हूँ। और ये एक साइड का डन हो गया है। सेटिंग प्रोसेस मैं स्किप करूँगी क्योंकि बहुत सारी वीडियो में दिखा चुकी हूँ। मैं सिंपली इनके हेयर को जो है थोड़ा थोड़ा सा ब्लो ड्राई करके और क्लिप लगा के छोड़ने वाली हूँ आउट कर्ल्स, जो कि मैंने सेल्फ में भी बताया हुआ है कि हल्का सा राउंडर ब्रश और ड्रायर यूज़ करके आप बालों को आउट कर्ल्स करके उसको क्लिप लगा के थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हो ना, तो बहुत ही अच्छे से सेट हो जाता है। इससे क्या फ़ायदा होता है कि आपको हीट भी ज़्यादा यूज़ नहीं करनी पड़ती है और परफेक्ट तरीके से हेयर अच्छे से सेट भी हो जाते हैं। सेंटर पार्ट से हेयर को लेंगे, मीडियम सा लेयर को लेना है, बहुत थिक नहीं, और इसे सामने की तरफ लाते हुए इस तरीके से ट्विस्ट कर दें। ये वाला जो प्रोसेस मैं बताती हूँ ना फ्रंट हेयर कट का, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लुक देता है। चाहे आप इसको साइड पार्टिंग करके रखें या स्ट्रेट पार्टिंग करके, हर तरीके से बहुत बहुत ही सुंदर लगता है। बैक साइड से हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको हल्का हल्का सा ट्रिम कर देंगे। तो इसमें ना अच्छा खासा डीप यू कट का शेप आ चुका है, तो हम बस उसी शेप को थोड़ा थोड़ा सा ट्रिम करके उसको नीचे नीचे से थोड़ी अच्छी फिनिशिंग दे देंगे, जो कि हर एक वीडियो में मैं आप सबको बताती हूँ। सेंटर पार्ट्स को बराबर और साइड वाले हेयर को तिरछा। मैं यहाँ पर बहुत लाइट लाइट सा कट कर रही हूँ सिर्फ नाम के लिए, ताकि जब हेयर की लेंथ बढ़े तो भी वो एक अच्छे शेप में रहे। देखिए कितना अच्छा दिख रहा है बाल, मतलब बहुत अच्छा वैल्यूम ऐड हो गया है। लेंथ अच्छी है और देखिए स्टेप्स, जैसे जैसे इसमें मैं कोम करूंगी फिंगर चलाऊंगी वैसे वैसे जो इसका लुक है वो और अच्छा लगते जाएगा। गर्ल्स हैं तो मैं थोड़ा सा इसको शॉर्ट लुक में दी हूँ, मतलब ऊपर से मैंने स्टेप्स डाला हुआ ताकि ये फ्रंट पे रखे या ऐसा बैक में जो है क्लच करें पोनी करें तो हर तरीके से प्यारा लुक दे। तो अभी मैं कोम करके इनको जो है इनका फ्रंट लुक भी दिखा देती हूँ कि कैसा दिख रहा है। ये तो बहुत खुश हुई अपने हेयर कट को देख के, और इनके साथ जो एक और आई थी उनको भी सेम ऐसा ही कटिंग चाहिए था, बट वो अपना हेयर वॉश करके नहीं आई हैं, तो वो नेक्स्ट डे आएंगी। जब भी वो अपना कट लेंगी वो भी मैं आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगी। तो किसको किसको ये कटिंग सेल्फ में देखनी है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएगा तभी मैं वीडियो अपलोड करूंगी। ऐसे दो चार कमेंट आने से तो फिर मैं नहीं करूंगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बोलोगे तो फिर मैं ज़रूर डालूंगी। तो देखिए फ्रंट लुक
तो बहुत ही फ्रीली और बहुत ही प्यारा लुक दिख रहा था। आप सबको कैसा लगा जरूर बताना, और हाँ वीडियो को ढेर सारा प्यार जरूर दीजिएगा। चलिए फिर कल मिलती हूँ आप सबसे एक और अच्छी सी न्यू वीडियो के साथ। लव यू ऑल, बाय बाय।